प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा इंग्लिश क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का पाठ एक, क्लास थ्री का इंग्लिश रीडर का लेसन वन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम लेसन को समझते हैं। लेसन वन दिया है जिसका नाम है हेलो आई एम। हेलो मैं हूँ। हेलो मतलब हेलो, आई यानी मैं, एम यानी हूँ। अब यह लड़की बोल रही है हेलो आई एम सविता। हेलो मैं सविता हूँ। हेलो यानी हेलो, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, सविता यानी सविता। ये लड़की क्या बोल रही है? हेलो आई एम बाला। हेलो मैं बाला हूँ। ये लड़का बोल रहा है हेलो आई एम आरिफ। हेलो मैं आरिफ हूँ। ये लड़की बोल रही है हेलो आई एम आसमा। हेलो मैं आसमा हूँ। तो बच्चों, जब कभी भी आपको अपना नाम बताना हो तो आप क्या बोल सकते हैं? हेलो आई एम और जो भी आपका नाम है वो बोल सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि माय नेम इज़, और आप जो भी आपका नाम हो आगे आपका नाम बोल सकते हैं। दो तरह से आप अपने नाम बता सकते हैं। ये लड़का बोल रहा है हेलो आई एम भोला। हेलो मैं भोला हूँ। ये लड़का बोल रहा है हेलो आई एम सचिन। हेलो मैं सचिन हूँ। टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पीक इट। मतलब किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसे बोलिए। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो हम उसे बोलकर अच्छी तरह सीख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा रहता है, वो शुरू में कुछ भी बोलना नहीं जानता है, लेकिन जब वह अपने आसपास के लोगों के द्वारा चीज़ें सुनता है फिर उसे धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है। पहले वो टूटी फूटी भाषा में बोलता है, जैसे छोटे शब्द बोलता है माँ पापा मम, और धीरे धीरे फिर वो बड़े शब्द भी और कठिन शब्द भी बोलने लगता है। इसलिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपको अंग्रेजी की बहुत सारी चीज़ें बच्चों आती है लेकिन आप उनका उपयोग नहीं करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी कक्षा में एक पंखा है लेकिन आप उसे फैन नहीं बोलते हो। आपको पता है कि उसका इंग्लिश अर्थ फैन होता है लेकिन आप उसे बोलते नहीं हो। तो अगर आप बोलोगे नहीं, आपको पता है फिर भी, तो आप कैसे सीखोगे इंग्लिश? तो बच्चों, जो भी चीज़ें आपको पता है उन्हें बोलने का प्रयास करें। शुरू में आपसे गलतियाँ होंगी लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी से गलतियाँ होती है। जैसे कोई भी पहली बार में कोई सी भी चीज़ नहीं सीखता है, हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं तब जाकर हम इतने परफेक्ट हुए हैं। जैसे मैं आपको एक आप ही का उदाहरण देता हूँ कि आप जब साइकिल चलाना सीखे होंगे तो क्या एक बार में आप साइकिल चलाना सीख गए? नहीं ना, पहले धीरे धीरे आप सीखे, कई बार गिरे भी होंगे, कई बार चोट भी लगी होगी। तो क्या आपने साइकिल चलाना सीखना बंद कर दिया? नहीं, आपको आप में एक जज्बा था सीखने का, आपने ठान लिया था कि साइकिल चलाना सीखना ही है, तो आप सीख गए। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा को भी सीखना है तो आपको ठानना पड़ेगा कि हमें अंग्रेजी सीखना है। तो गलतियाँ तो होंगी लेकिन गलतियों से डरना नहीं है, ना ही गलतियों से घबराना है। आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे। बस इतना करें कि जितनी भी चीज़ों का आपको अंग्रेजी
में अर्थ पता है उन्हें इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें। जैसे आपकी कक्षा में पंखा लगा है तो उसको फैन बोलें, खिड़की है तो आपको पता है कि खिड़की को बोलते हैं विंडो, आपकी क्लास में घड़ी लगी है तो आपको पता है इसको बोलते हैं क्लॉक, गेट लगे हैं तो उसको बोलते हैं डोर, प्रार्थना को बोलते हैं प्रेयर। इसी तरह आप धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप निश्चित तौर पर ही अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पाठ से संबंधित ग्रामर, जितनी भी ग्रामर दी है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बने रहें बच्चों हमारे साथ, हम आपको आपका पूरा कोर्स करवाएंगे, एक चीज़ों को बिल्कुल आसान तरीके से और बारीकी से समझाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।